न्यूज नाटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झांसी कानपुर हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें ट्रक क्लीनर पुनीत ट्रक में जिंदा ही जल गया, जबकि चालक मान सिंह घायल हो गया। घटना झांसी जिले के मोड़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर एक पेट्रोल पंप के पास की है। पुलिस की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा मोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल का इलाज किया गया और हालत नाजुक होने पर झांसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद ट्रक क्लीनर बुरी तरह से ट्रक में फंस गया। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद क्लीनर के शव को ट्रक से बाहर निकाला गया। शव बुरी तरह से जल चुका था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज घटना की जांच में जुट गई। हमारा नाम कैलाश सिंह, फायर सर्विस मोड़ से। हाँ, क्या हो गई ये घटना? घटना अभी 4:15 बजे के लगभग जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हम लोगों को, वैसे ही हमारे यूनिट प्रभारी शिव बहादुर सिंह और मैं यूनिट के, हम सभी लोग दो गाड़ियों के साथ आए। यहाँ पर देखा कि गाड़ी में भयंकर रूप से आग जल रही थी और हादसा तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत तगड़े किस प्रकार से हुआ इसको तो अभी क्लियर नहीं किया जा सकता। ड्राइवर जो है हम लोगों को नीचे उतरा हुआ मिला है, किस प्रकार से क्या हुआ, और हमारी फायर यूनिट ने हमारे शिव बहादुर सिंह की अध्यक्षता में दोनों गाड़ियों ने पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया। उसके बाद इसमें कोई और फंसा था क्या? हाँ, एक व्यक्ति इसमें जो फंसा हुआ था केबिन में, शायद वो लेटा हुआ था, जिसको कि अभी सवेरे अंधेरे में तो नहीं दिखाई दिया आग बुझाते समय, अभी जब इसको क्रेन से जब खिंचवाया गया तो उसमें एक जली हुई बिल्कुल डेड बॉडी निकली, जिसको मतलब जैसे क्लीनर ही होगा जहाँ तक।